हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शोम्स आईएएस। एज यू नो कि हम यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी प्री और मेंस के लिए। अभी हमने स्टार्ट किया है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम बैंकिंग वाले चैप्टर तक पहुँच चुके हैं। अगर आप नए हो इस चैनल में और इससे पहले आपने वीडियोस नहीं देखी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पिछले वाले जितने मेरे एटलीस्ट 11 लेक्चर्स है, उन लेक्चर्स को पहले चेकआउट करो, सो दैट कि आपको ये बैंकिंग वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आए। राइट, सो ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, लेक्चर शुरू करते हैं। सो दिस इज़ मी, गोविंद नेगी शोम। आई एम द फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडीज़। सो मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है, तो मेरा थोड़ा सा कमांड इसमें रहता ही है। सो दैट थोड़ा सा फेथ रखिए, और जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ उस तरीके से फॉलो कीजिए। आई एम श्योर कि आपको जीएस थर्ड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, जो आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो सम ऑफ द टॉपिक्स आर जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। राइट, सो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एक है, और वेट में कलर चेंज करना। ओके, हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पढ़ेंगे। डीमोनेटाइजेशन, आई एम श्योर आप जानते ही है। इंद्रधनुष स्कीम जो आया था उसके बारे में हम देखेंगे। बेसल्स नॉर्म्स देखेंगे, और यहाँ पर स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई क्या होते हैं, जो आप गूगल पे करते हो, पेटीएम करते हो, वो सभी चीज़ इस इंटरफेस के अंदर चलती है, जिसको हम बोलते हैं यूपीआई। राइट, एक गोल्ड स्कीम गवर्नमेंट लेके आई थी, तो वो गोल्ड स्कीम क्या है उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, सो दैट कि आप मेंस के क्वेश्चंस, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस अच्छे से बना पाओ। राइट, नेक्स्ट एक मुद्रा स्कीम गवर्नमेंट लेके आई थी, और मुद्रा उसके ऊपर मुद्रा बैंक भी बना था। ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और ये है क्या चीज़, ये सब कुछ हम टॉपिक वाइज इसको स्टडी करते जाएंगे। राइट, सो फिलहाल जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ये आज हम कर लेंगे, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। सेकंड, हम डीमोनेटाइजेशन भी कर लेंगे, और इंद्रधनुष भी हम आज कंप्लीट कर लेंगे। राइट, बिकॉज यहाँ पर जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, और डीमोनेटाइजेशन और इंद्रधनुष, इंद्रधनुष खासकर इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा, सो दैट कि आपको अच्छे से आइडिया लग जाए कि इंद्रधनुष 1 और इंद्रधनुष 2.0 में डिफरेंसेस क्या है, और किस तरीके से टर्म्स को इंक्रीज करके गवर्नमेंट और आरबीआई से लेकर आई है। राइट, सो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, एज फर्स्ट कम फर्स्ट, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। राइट, सो पीएसएल से ये आप समझ जाते हो कि पीएसएल का मतलब होता है प्रायोरिटी सेक्टर्स लैंडिंग। अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तो ये यहाँ पर हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो कॉन्सेप्ट आया था ना, वो उसके पीछे कुछ वजह थी, जैसे बैक 90s, बैक 70s। राइट, सो यहाँ पर 1970, ठीक है, 1970s के टाइम पे होता क्या था कि मान लो कोई भी बैंक है, वो हमेशा ये देखता था कि मुझे अपने कस्टमर्स कहाँ पर मिलेंगे, है ना, कस्टमर्स कहाँ पर मिलेंगे, उसके हिसाब से ये जो भी बैंक अपना इन्वेस्टमेंट था वो हमेशा अर्बन एरिया में करता था। ठीक है, अब अर्बन एरिया में करेगा तो क्या होगा, अर्बन एरिया का तो डेवलपमेंट होगा। राइट, बट रूरल, है ना, रूरल इंडिया उतना डेवलप नहीं हो पा रहा था। ये सबसे बड़ी इश्यूज थी, जिस इश्यूज को टैकल करना ज़रूरी था उस टाइम पर, है ना। तो इसके ऊपर से इस पूरे प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए और इस प्रॉब्लम से ऊपर निकलने के लिए लाया गया प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, है ना। पीएसएल है क्या एक्चुअली, ये एक प्रकार का गाइडलाइन है, गाइडलाइन है जो आरबीआई डालती है, आरबीआई के द्वारा एनफोर्स किया जाता है टू बैंक्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जितने बैंक्स होते हैं उसको आरबीआई गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, और कहती है कि आपको अपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो मेरा गोल है उसको फॉलो करना पड़ेगा, और ये जो गोल रखा है उन्होंने 40% का रखा है। राइट, जो जो भी कंपनी 40 जो सॉरी जो भी बैंक्स है यहाँ पर, मान लो एक बैंक है और ये बैंक डिसाइड करता है कि मैं 100 रुपीज़ लेके आऊँगा और मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा, है ना। अब ये जो 100 रुपीज़ को ये इन्वेस्ट करने आ रहा होगा,
तो ये अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तो हमेशा अर्बन एरिया में जाएगा, है ना, हमेशा अर्बन एरिया में आएगा। बट अगर ये सारा का सारा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा तो अर्बन तो डेवलप हो जाएगा बट रूरल डेवलप नहीं हो पाएगा, राइट। यहीं पर रोल प्ले करता है ये 40%। सो आरबीआई यहाँ पर बोलती है ठीक है तुमको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट कर दीजिए, बट यहाँ पर 60% जितना आपने इन्वेस्ट करना है उसका 60% यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए और बाकी जो 40% है वो आपको रूरल एरिया में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इंडिया के अंदर आपको बैंकिंग करने का लाइसेंस हम नहीं देंगे, ये आरबीआई की तरफ से सीधा गाइडलाइन होता है, सो दैट कि सारे बैंक्स को इसे फॉलो करना पड़ जाता है, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। इसमें कुछ एक टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा करते क्यों है, इससे मदद क्या होती है, उस चीज़ को देखो। देखो होता क्या था ना, बहुत कॉमन सी, कम ऑन चल, बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है ना, ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग किसके द्वारा इन्फोर्स किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है टू बैंक्स, ये सब मैंने बता दिया आप लोगों को। अब ये जो बैंक्स है ये कौन सी है, राइट, ये कौन कौन सी बैंक्स होती हैं। सबसे पहले होगी ये नेशनलाइज्ड बैंक्स, ओके। नेशनलाइज्ड बैंक के बाद यहां पर प्राइवेट बैंक्स भी होती हैं, ओके। प्राइवेट बैंक्स के बाद हो जाती है फॉरेन बैंक्स, ठीक है, ओके। अब ये जो बैंक्स इंडिया के अंदर वर्क करेगी ना, इन बैंक्स को आरबीआई ने गाइडलाइन दे के रखा है, बैंकिंग लाइसेंस चाहिए है, बैंकिंग लाइसेंस चाहिए तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तभी आप इंडिया में बिजनेस कर सकते हो। और ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है ये 40% आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा, है ना, ये आरबीआई बोलती है, राइट। सो थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूं, आपको ये जो पहले में मैंने आपको लिखा है नेशनलाइज बैंक, ये जो नेशनलाइज बैंक है ये होते क्या हैं। देखो होता क्या था 1949, सबसे पहले 1949 में क्या हुआ, ऐसे ऐसे बैंक्स जिनका जिनके पास क्रेडिट 50 करोड़ से ऊपर हो, है ना, उनको बैंक ने नेशनलाइज कर दिया। उस वक्त में 14 ऐसे बैंक थे जिनके पास जो एसेट था वो 50 करोड़ से ऊपर आ रहा था, ठीक है, 14 बैंक्स, राइट। और यही बाद में एक बार और हुआ था 1969, है ना, 1969 में 6, अब यहाँ पर जो जो आपका एसेट था वो होना चाहिए था 500 करोड़, अगर इससे ऊपर के उसको ऊपर का एसेट आपके पास है तो आपको भी नेशनलाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। ये तो इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त में हुआ है, तो यहाँ पर 6 बैंक्स मोर नेशनलाइज्ड, राइट। तो ऐसे करके बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। उसके अलावा नेक्स्ट जो फॉरेन बैंक्स थे जैसे सिटी बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गए, है ना, और प्राइवेट बैंक्स में जैसे ये एक्सिस बैंक आया, आईडीएफसी बैंक हो सॉरी एचडीएफसी बैंक हुआ, राइट। ऐसे कुछ बैंक्स है, राइट। सो ये बैंक्स को भी सेम गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है, राइट, इंडिया के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि ये जो 40% है ये किस चीज़ का, राइट। ये जो 40% है ये देखना, ऐसा नहीं है कि कोई भी बैंक है, मान लो कि यहाँ पर कोई बैंक है और इस बैंक के पास है 100 रुपीज़, सो ये 100 रुपीज़ ही, 100 रुपीज़ का ही 40% नहीं। मान लो होता क्या है कि यहाँ पर जो बैंक के पास क्रेडिट है देने के लिए, राइट,
बैंक ने डिसाइड किया है कि मेरा जो 100 रुपीज़ है उसमें से 40 रुपीज़ तो मेरे रिजर्व में चले गए, है ना। अब मेरे पास 60 रुपीज़ है जो मैं मार्केट में किसी को लोन के रूप में दूंगा। अब यहाँ पर आरबीआई कहता है, आरबीआई कहता है नहीं, मान लो ये 60 रुपीज़ आपका 100% है ना। 60 रुपीज़ ये जो पूरी वैल्यू है वो वैल्यू अपनी 100% होती है ना बॉस। ये जो 60 रुपीज़ है 100%, इसका जो 40% है वो तुम डालो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, और बाकी जो 60% वैल्यू बचती है उस वैल्यू को आप लोन पे कहीं पर भी दे दो, ठीक है। उससे आरबीआई को कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो ये आरबीआई अपने तरफ से कहती है। अब यहाँ पर ये समझने वाली बातें हैं कि कोई किसी भी बैंक का जो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग भी वो सारी चीज़ें वर्क कर सकती है, उसके अलावा भी वो सारी चीज़ें वर्क कर सकती है। वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है हर बैंक का। आप मान लो कि आपने कहीं पर पढ़ा होगा कि एसबीआई का इतना है बॉस, मान लो कि 3,400 का कुछ करोड़ रुपीज़ वो जा रहा है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। इसका मतलब नहीं है कि नेक्स्ट जो HDFC बैंक है उसका भी इतना ही जाएगा, है ना। वो बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है कि अमाउंट कितना है, इसीलिए इसको परसेंटेज में बताया गया है, राइट। सो बैंक का ये जो 40% रिजर्व करने के बाद, जो CRR SLR हम पहले पढ़ चुके हैं, वो रिजर्व करने के बाद जितनी वैल्यू बचती है उस वैल्यू को जब वो आगे देगा, है ना, जो भी क्रेडिट में देगा, इसको याद रखना, जो भी क्रेडिट में पैसा बाहर जा रहा होगा उसका 40% वो जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, और बाकी का पैसा वो अपने मर्जी से कहीं पर भी दे सकता है, राइट। आई एम श्योर कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। जितना भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर इसका नोट डाउन करते रहिए, बिकॉज ये एरिया लिमिटेड है तो मुझे इसे मिटाना भी पड़ता है, राइट। सो मैं इसे इरेज कर देता हूँ पहले। ओके, टेक सम टाइम। ओके, सो इसका नोट्स बनाना मत भूलना, बिकॉज नोट्स बनाने से होगा क्या ना, एक बार में जैसे आप नोट्स बनाओगे वो रिवाइज तो उसी वक्त आप लोगों का होता जाएगा, है ना। अब एक बार में वैसे रिवाइज हो गया तो बस काम हो गया, एक बार जब आपने नोट्स मेंटेन कर लिया है बस आपने एक बार पढ़ना ही है उसे, है ना। तो उसके बाद उसको छोड़ लो, फिर आगे वाले लेक्चर्स को देख लो, आगे वाले लेक्चर्स में क्या आ रहा है, और इसी तरीके से उसको कंटिन्यू करते रहिए। तो आपका रिवाइज 2-3 बार हो जाता है, उससे हेल्प हो जाती है ना। और नोट्स मेकिंग में क्या होता है, जब आप नोट्स मेकिंग करोगे तो उससे आपका जो आंसर राइटिंग है वो भी इम्प्रूव होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोट्स मेकिंग भाई जो बताया है उसको तो हम लिख लेंगे इसीलिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, नहीं, इससे आपको और भी हेल्प होता है, राइट। सो आंसर राइटिंग में भी आपको हेल्प होगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती क्या है, कहाँ पर देना पड़ता है, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। सो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर कुछ चीज़ें है ना, इसको इसी तरीके से बनाए देना ताकि आपको याद रहे ये चीज़। सबसे पहले है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में 40% का 18% जाना चाहिए। सिर्फ एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट है, बाकी इसके इसके बाद आपको कोई परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो सेक्टर है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो है एक्सपोर्ट क्रेडिट, ठीक है। एक्सपोर्ट क्रेडिट लिख देता हूँ, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में क्या हुआ, जैसे फार्मर्स को लोन दे देना, है ना, सीड्स के लिए लोन दे देना, किसी भी चीज़ में फाइनेंसिंग करना, उनको हेल्प करना, जैसे फर्टिलाइजर उन्होंने लेना है ना। तो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में, किसी भी तरीके से अगर आप लोन दे रहे हो तो उसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का ही पार्ट माना जाएगा। सेकेंड है एक्सपोर्ट क्रेडिट। मान लो कि कोई ऐसी कंपनी है जो मान लो कोई एक्स प्रोडक्ट बना रही है ना, इस एक्स प्रोडक्ट को वो इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट के साथ वो इंटरनेशनली भी भेजना चाहती है। सो उसके प्रोडक्शन के लिए, है ना,
तो आप अगर वो लोन का डिमांड करता है तो आप उसको लोन प्रोवाइड करो। तो यहाँ पर भी अगर आप किसी ऐसे कंपनी को लोन देते हो जो एक्सपोर्ट करती है इंडिया से, जो कि एक्सपोर्ट करेगा तो इसमें क्या होगी, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो जहाँ पर मिसबैलेंसिंग है वहाँ पर भी हेल्प होगी और इंडिया अर्न भी करेगा इस चीज़ से, राइट? सो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट है यहाँ पर एजुकेशन, राइट? एजुकेशन लोन। अब एजुकेशन लोन देखो, वैसे हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट भी बहुत फोकस कर रही है कि एजुकेशन को बढ़ाया जाए, है ना? सो एजुकेशन एजुकेशन को इंक्रीज करने के लिए कुछ ऐसे फार्मर्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे, देखो हर हर फैमिली बहुत एलीट नहीं होती, है ना? तो कई बार आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए आपको लोन लेना पड़ता है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन लेना पड़ता है। आपके पास उतने पैसे नहीं होते कि आप लिवलीहुड के साथ साथ उन लोगों को पढ़ा भी पाओ। तो ऐसे केस में क्या करती है, गवर्नमेंट एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड करती है, राइट? सो बैंकों को ये हिदायत दी गई होती है कि आपने कुछ परसेंट अपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का बच्चों के एजुकेशन में भी लगाना है, जहाँ पर आप एजुकेशन लोन के थ्रू उनको एजुकेशन एजुकेशन के लिए पैसा दोगे, राइट? और इसके अलावा है जैसे हाउसिंग के लिए मिलता है ना? हाउसिंग के लिए जैसे मान लो कि कोई स्मॉल हाउसिंग, कोई फार्मर है, लैंडलेस फार्मर है, उसके पास घर नहीं है ना, और ज़मीन भी नहीं है जहाँ पर वो घर बना पाए। तो ऐसे में क्या करेगा कि अगर मान लो कि कोई फार्मर है जिसके पास 100 रुपये है ना, और वो सोच रहा है कि काश मुझे मुझे 200 रुपये और मिल जाता तो मैं अपना घर खुद बना लेता, राइट? सो यहाँ पर 100 रुपये तो खुद ने अर्न किया, 200 क्या मिल जाएंगे, लोन मिल जाएंगे घर बनाने के लिए। तो यहाँ पर भी किसी भी बैंक को हेल्प करना होता है ऐसे फार्मर्स का भी, ऐसे गरीब लोगों का जो अपना आशियाना बनाना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो इसको भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर माना जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट ये बहुत पॉपुलर है ना, MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट? तो ऐसी ऐसी कोई स्टार्टअप्स जो आपके एरिया पे खुल रही हो, है ना, और उनको उस स्टार्टअप के लिए बिजनेस में पैसे लगाने के लिए पैसों की ज़रूरत हो, तो वो भी बैंक के पास जाके पैसे ले सकता है और अपने बिजनेस को ग्रूम कर सकता है। ये RBI का गाइडलाइन है, RBI के द्वारा हिदायत दी गई है कि इन लोगों को पैसा प्रोवाइड करना है और बैंक आर फोर्स टू गिव यू मनी, राइट? अगर आपके पास एक ऐसा प्लान है, अच्छा प्लान है, जो कि आगे जाके प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है, देयर बैंक हैज़ टू गिव यू लोन्स, राइट? क्रेडिट किसी भी फॉर्म में आपको देना पड़ेगा, राइट? इसके अलावा है जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है भाई, बहुत बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। देखो बहुत सारे NGOs होती हैं, बहुत सारी कंपनीज होती है, बहुत सारे कॉरपोरेट्स होते हैं जो ना सोशल वर्क भी करते हैं। जैसे मान लो हॉस्पिटल बना लिया, है ना, हॉस्पिटल के साथ कई बार रूरल एरिया में रोड्स बना दिए, है ना, एम्बुलेंस दे दिए, है ना, और इसके इसके अलावा मान लो कि स्कूल्स है, स्कूल्स खोल दिए। तो ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट्स के लिए अगर कोई भी आपसे लोन मांगता है तो आपको वो लोन देना है, ये भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आता है ना? और जो लास्ट है हमारे पास वो आता है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी, अब रिन्यूएबल एनर्जी में देखो बहुत प्राउड की बात भी है ये, बिकॉज इंडिया देखो सोलर एनर्जी एनर्जी में दुनिया को लीड कर रहा है ना? सो ये जो सोलर एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, अभी आपने नितिन गडकरी जी का भी बयान सुना होगा जहां पर उन्होंने बोला कि हम ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, है ना, ग्रीन फ्यूल।
हम ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे, ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है, ये रिन्यूएबल एनर्जी है, राइट। सो अगर आप कोई इस वाले एरिया, इन सारे जो सेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी सेक्टर के अंदर किसी को अगर लोन की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, आपको यहाँ पर लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा, पैसे प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तभी आप क्या करोगे, अपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो 40% का टारगेट है इसको फुलफिल कर पाओगे। जब आप 40% का टारगेट फुलफिल कर पाओगे तभी चीज़ें आगे इजीली कंटिन्यू काम कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओरिजिनली कितने इसमें से पॉइंट थे और बाद में कितने इसमें से पॉइंट ऐड किए गए हैं। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी मैंने आपको बताया ना, यहाँ से लेकर ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये जो मैंने डब्बे के अंदर डाल दिए, ये लेटर इंट्रोड्यूस करे गए थे, ठीक है। पहले जो ओरिजिनली है, ओरिजिनली यहाँ पर आएंगे एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड एजुकेशन लोन, राइट। सो बाद में ये सारी चीज़ें और ऐड किए गए थे, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, राइट। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपने ये तो बता दिया कि मान लो, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, मान लो कि एक बैंक है, बैंक ए है ना, इसको फुलफिल करना था 40% ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, है ना यार। अब ऐसा तो है नहीं कि राह में चलते ए बी सी किसी को भी ये लोन दे देगा, है ना, लोन इधर उधर तो दे नहीं सकता। अगर मान लो कि इसने जितना भी इसके पास वैल्यू था, मान लो इसने डिसाइड किया कि मैंने 100 रुपीज़ मार्केट के अंदर इन्फ्यूज़ करना है, इंजेक्ट करना है। अब ये जो मार्केट में 60 रुपीज़ है, वो तो एकदम से ये जिनको देना होगा दे देगा, है ना। मान लो कि अंबानी है, बिरला है, बजाज है, टाटा है ना, किसी भी इंडस्ट्री को जब लोन की ज़रूरत होगी तो वो फटाफट अपना 60 रुपीज़ दे देगा, क्योंकि इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट बाकी का ये जो 40% है, ये भी तो कहीं पर देना पड़ेगा, है ना, जो कि 40 रुपीज़ आएगा। अब ये जो देना होगा ये हर किसी को नहीं दे पाएगा, सभी बैंक नहीं दे पाएंगे। अब अगर ये सभी बैंक इजीली सभी को लोन देना शुरू कर दे, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि वहाँ पर एनपीए का इश्यू हो जाए, है ना, इससे भी तो बचना है। तो होता क्या है कि कई बार ये जो 40% का टारगेट है ये फुलफिल हो जाता है, कई बार ये 40% का टारगेट फुलफिल नहीं होता है, राइट। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है, अगर ये 40% का टारगेट फुलफिल नहीं हुआ तो उस केस में क्या करेंगे, है ना। अगर ये 40% का टारगेट फुलफिल हो रहा है वो तो ठीक है, वो तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर वो अपना पैसा दे रहे हो। अब उसमें भी ऐसा नहीं है कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है, उसमें भी कंपनी को प्रॉफिट होता है अपने अकॉर्डिंग, राइट। वो कैसे होगा मैं आगे और कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। तो जब ये टारगेट मीट नहीं हो पा रहा हो, तो उस केस में बैंक करती क्या है, इस चीज़ को आप लोग समझो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये एक बार मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लो कि बैंक है, बैंक ए, इसने करना था 40%, बट इससे हुआ है अभी 37% ही, ओके। इसको करना था 40% पर इससे हुआ 37% ही, राइट। सो इन दोनों के बीच का जो 3% का गैप आया, अब इसका क्या करेगा वो, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का तो ईयर खत्म हो गया है ना, ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया होगा, अब ये क्या करेगा। इसके लिए अल्टरनेटिव्स है, ये जो 3% है, जब कोई भी बैंक इसको किसी को दे ना पाए, अगर किसी को लोन की ज़रूरत ना हो, या फिर वो देख पाते कि मैं जिसे भी लोन दूंगा वहाँ पर ये एनपीए बनने का चांसेस ज़्यादा है, तो वो लोन नहीं देते हैं, बहुत ऑब्वियस सा रीज़न है, राइट। तो उस केस में क्या होता है, ये सारा का सारा फंड नाबार्ड के अंदर चला जाता है। मैं आपको बता दूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक बैंक होता है, अपने आप में बैंक बोला जाता है इससे, और बट अपने आप में पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नाबार्ड, नेशनल
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब देखो ये जो नाबार्ड है ना, इसके भी अपने एग्जाम्स निकलते हैं, आप लोग भर सकते हो, ठीक है। बहुत बहुत ही बढ़िया पोस्ट निकलते हैं इनके अंदर। इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कह सकते हैं इसे, एक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो फंड को कंट्रोल करती है, ठीक है। उसको बोलते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। अब आप चाहो तो पैसा इसमें डाल सकते हो, ये आपका पहला ऑप्शन है। अच्छा जी, पहला ऑप्शन, तो इसका मतलब और भी ऑप्शन होते होंगे, है ना। सो यस, सेकंड ऑप्शन है यहां पर NHB। NHB क्या होता है भाई, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन ये हुआ, आप नेशनल हाउसिंग बोर्ड के फंड में भी इस पैसे को डाल सकते हो, राइट। हाँ, इसके अलावा एक और चीज है, तीसरा मुद्रा फंड, आप मुद्रा फंड में भी इन पैसों को डाल सकते हो, राइट। जो भी आपने टारगेट मीट नहीं किया, तो ये चीज याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, कि जब भी कोई भी बैंक कुछ ऐसा पैसा जिसको वो फुलफिल नहीं कर पाती है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के नॉर्म्स को, वो जो बचा हुआ पैसा होता है उसे या तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड में डाल देना होता है, या फिर नेशनल हाउसिंग बोर्ड में डाल देना पड़ता है, या फिर इसके अलावा एक और चीज़ होता है, फोर्थ वो मेरे दिमाग से निकल रहा था, उसे भी मैं बता देता हूँ। लेट मी थिंक, वो होता है SIDBI, यस। ये जो नेशनल हाउसिंग बोर्ड देख रहे हो ना, ये SIDBI के अंडर आता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, नहीं तो SIDBI के अंडर, SIDBI के द्वारा चलाया गया कोई भी फंड, ठीक है, कोई भी बैंक फंड जो SIDBI के द्वारा चलाया जा रहा हो, आप उसमें भी डाल सकते हो, राइट। सो SIDBI का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल नेशनल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI, राइट। सो आप इसके बनाए, जैसे इसका बनाया गया फंड होता है ये, है ना। इसके अलावा जितने भी फंड बनाए गए होंगे, या फिर नाबार्ड के द्वारा जितने भी फंड बनाए गए होंगे, आप वहां पर इसको पैसे दे सकते हो और अपने आप को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कंप्लीट कर सकते हो, राइट। सो ये होता है जब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कंप्लीट नहीं होती है किसी भी बैंक के द्वारा। ओके, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, कि ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट क्या चीज होता है भाई, है ना। अब यहां पर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, मान लो कि बैंक एक है, बैंक ए, ओके, और यहां पर है बैंक बी, ओके, बैंक ए और बैंक बी। जो अब हम मान लेते हैं जो बैंक ए है ना, वो जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में लोन दे रहा था, इसको भी तो 40% ही डालना है, इसको भी 40% डालने हैं, है ना। अब होता क्या है, इस बैंक ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में 43% डाल दिए, मान लो इतना डिमांड आ गया और इसको लगा भी बहुत जेन्युइन बंदे हैं और वहां पर ये पैसा जाना चाहिए, तो एनपीए का इशू नहीं है, तो बैंक यूजुअली उससे भी ज्यादा दे देते हैं। 40% तो क्राइटेरिया आरबीआई के द्वारा है ना, इनको तो प्रॉफिट कमाना है। अगर वहां पर लग रहा है और जेन्युइन कैंडिडेट आपको दिख रहे हैं, वहां पर कस्टमर्स दिख रहे हैं, तो ये दे देगा। तो दूसरा बैंक जो है वो सिर्फ 37% ही दे पाता है ना। ऐसे बैंक्स को बोलते हैं जो एक्स्ट्रा दे देता है, इनको बोलते हैं ओवर अचीवर, ओवर अचीवर, ठीक है, और इसको कहते हैं अंडर अचीवर,
ठीक है, अंडर अचीवर। तो इस केस में क्या होता है, अब यहां पर देखो इन दोनों का जो मर्जर आएगा वो तो 80% कंप्लीट आया ना भाई, 40% इसका 40% इसका, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में तो 80% कंप्लीट हुआ। तो ऐसे में होता क्या है, आरबीआई ने थोड़ा सा छूट दे के रखा है कि देखो आपको जनरल कैंडिडेट नहीं मिले, आपके एरिया में हो सकता है कि एनपीए का इशू बहुत ज़्यादा है इसलिए आपने लोन नहीं दिया, आपके पास कोई लोन लेने ही नहीं आया, और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लोन की ज़रूरत है ना, तो ये हर जगह लोन दिए जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि इसने 43% दे दिया और इसने 37 ही दिया है। तो ऐसे केस में ये बैंक बोलता है कि देखिए यार मेरा ये जो पैसा है ये पैसा तू ले ले, राइट, यहां से ये पैसा तू ले ले, ठीक है, और इसके बदले में मुझे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट दे दे, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट इधर आ गया, पैसा इसके पास चला गया, है ना। तो इस केस में क्या हुआ, इसका जो 37 था सर्टिफिकेट इसके पास आ गया, तो ऑलमोस्ट इसने भी 40% हो गया, तो इसका भी 40% हो गया, तो मार्केट में तो ऑलरेडी 80% था ही, बट जो अंडर अचीवर था उसने भी अपने आप को बैलेंस कर दिया सेकंड बैंक की मदद से, है ना। बट यहां पर एक कैच है, कैच क्या है इस चीज को समझो, मान लो यहां पर बैंक ए है ना, बैंक ए ने जो 40% दिया था प्लस 3% दिया था, ये जो 40% दिया था ये तो गुड लोन था, इसमें गुड लोन का मतलब क्या हुआ, लो रिस्क, है ना, लो रिस्क था, गुड लोन का मतलब हुआ लो रिस्क। और ये जो 3% है हाई रिस्क, है ना, जो 3% था हाई रिस्क। तो यहां पर जो बैंक बी था, जो बैंक बी था, अब इसने क्या किया, ये जो 3% का इसने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट दे दिया, राइट। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो बैंक ने यहां पर पैसे दिए थे, इस बैंक ने ये जो 3% यहां पर दिए थे, मान लो ये एनपीए बन जाता है, अगर ये एनपीए बन गया तो इन्होंने तो पैसे इसको दे दिए, है ना, तो इसका जो एनपीए था असल में जो इसका एनपीए बनना था वो पैसा तो इसके पास आ गया, बट इस बैंक ने इसके भरोसे में जो पैसे इसको दिए थे कि इसने जो 3% यहां पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का सर्टिफिकेट मुझे दिया है वो अच्छे होंगे, तो उस भरोसे में खरा नहीं उतरता है, तो इसको लॉस होता है। सो ऐसे सिचुएशन से डील करने के आरबीआई ने कहा है यहां पर जो लाइबिलिटी होगा ना एनपीए का वो सोर्स का होगा। ओके, कहाँ चला गया, ठीक है, वो सोर्स का होगा, मतलब ये जो प्राइड, अब इसके पास ये सर्टिफिकेट है, अब ये सर्टिफिकेट तो हो गया एनपीए, तो होगा क्या, ये एनपीए बन गया तो ये वापस इसके पास चला जाएगा और इसको वापस इसको पैसे देने पड़ेंगे वो सारे, समझ आया। तो ऐसे केस में बोला कि ठीक है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट कैन बी एक्सचेंज, बट नॉट रिस्क। आप प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को तो सर्टिफिकेट, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के जो पैसे हैं उसको, सर्टिफिकेट को तो एक्सचेंज कर सकते हो पर रिस्क को एक्सचेंज नहीं कर सकते, राइट। तो ऐसे केस में जो दूसरा बैंक जो जो सर्टिफिकेट ले रहा है वो हमेशा इंश्योर रहता है कि ठीक है इसमें मेरा कोई रिस्क नहीं है, और जो पहला वाला बैंक है वो भी इसका मिसयूज नहीं करता। अगर पहले वाले बैंक ने 40% का टारगेट अचीव कर लिया है तो उसके अलावा जबरदस्ती 3% नहीं देगा, अगर उसके पास जेन्युइन लोग हैं जो 3% लेंगे तो ये उन्हीं को ही देगा और उसका जो सर्टिफिकेट देगा इसको देगा, ऐसे में किसी का एनपीए वहां पर नहीं बनेगा। तो ये चीजें हेल्प करती हैं, राइट। सो नेक्स्ट
टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम डीमोनेटाइजेशन, है ना। तो देखो, डीमोनेटाइजेशन क्या पहली बार हुआ, है ना, जो आपने अभी कुछ सालों पहले देखा, क्या वो पहली बार हुआ? नहीं, इसकी छोटी सी हिस्ट्री है, इसकी छोटी सी हिस्ट्री है कि डीमोनेटाइजेशन इंडिया के अंदर दो बार पहले हो चुका है। एक बार 1946 में हुआ था और एक बार हुआ था 1978 में। 1946 में जब हुआ, तब तो हम ये कह सकते कि ये ब्रिटिश इंडिया था, है ना। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे हमने बहुत सारे बड़े बड़े वैल्यूज थे, जो अंग्रेज पैसा इधर का उधर करने के लिए बहुत बड़े डिनोमिनेशन का इस्तेमाल किया करते थे, उसको क्लोज किया जा रहा था इस वक्त में। और 1978 के टाइम में डीमोनेटाइजेशन हुआ था मोरारजी देसाई जी के अंदर। जी है, ठीक है, मोरारजी देसाई हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त में, ठीक है। अब ये जो वर्ड है डीमोनेटाइजेशन, इसका मतलब क्या है ना। डीमोनेटाइजेशन का मतलब है लैप्स ऑफ लीगल टेंडरशिप। किसी भी वैल्यू की लीगलिटी लैप्स हो जाती है, अब वो टेंडर क्या होंगे? रुपीज। अगर ऐसे कोई भी वैल्यू है, मान लो कि कल को मैं बोल देता हूँ ये 100 रुपये है, वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना, ऐसा क्यों होता है ना। अब किसी भी चीज़ को लीगल टेंडर कैसा, एक तो ठीक है, ये जनरल पैसे को हम बोलते हैं कि आज से ये नहीं रहेगा, राइट। एक दूसरा केस होता है, मान लो कि आपने मार्केट में एक अपना फोटो बनाया, है ना, अपने फोटो में सेल्फी लेते हुए, है ना, बड़े मजे से उसको क्या कर दिया आपने, नोट पे छाप दिया। अब इस नोट को बोला कि आपने ये 1 ट्रिलियन का नोट है, 1 ट्रिलियन रुपीज का नोट है, और ये किसी वेंडर को जाके बेचने की कोशिश करोगे, इसके बदले में कुछ लेने की कोशिश करोगे, तो वो आपको ये नहीं देगा, बल्कि आपको यहाँ से जेल भी जाना पड़ सकता है। क्योंकि इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा टेंडर, कोई भी ऐसा वैल्यू, कोई भी ऐसा डिनोमिनेशन जिसको आरबीआई एनफोर्स नहीं करती हो, है ना, उस पैसे को मार्केट के अंदर यूज नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप ऐसा करने के लिए जाओगे तो आपको जेल भी हो सकती है और उसको अमान्य घोषित किया जाएगा, राइट। सो बेसिकली डिमोनेटाइजेशन वो होता है जब कोई भी टेंडर अपनी लीगैलिटी खो देती है, राइट। जैसे अभी डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे हुआ था, ठीक है, आप लोगों को याद होगा, याद ही होगा, क्योंकि बहुत बुरे हाल हुए थे सारी दुनिया के। समय चल रहा था 2016, टाइम था 8th of November। भाई रात को 12 बजे नरेंद्र मोदी जी उठते हैं और कह देते हैं कि अब जो तुम्हारे पॉकेट के अंदर 500 रुपीज़ हाइच और 1000 रुपीज़ हाइच, ये अपन को नहीं मांगता, है ना, तो अब ये पैसे हमको नहीं चाहिए, अब आगे के टाइम पे ये चीज़ लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो जब ये स्टेटमेंट प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया, उस टाइम में ये अपनी लीगैलिटी खो देते हैं, राइट। उसके बाद इन पैसों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप इसको जाके अगर मार्केट में कुछ खरीदने की कोशिश करोगे आज के टाइम पे 1000 को, तो आपको कोई 1 रुपए की टॉफी कैंडी, है ना, वो खरीदने जाओगे तो 1 रुपए की टॉफी भी आपको कोई नहीं देगा। जहां पर जब इसकी वैल्यू थी, लीगैलिटी थी, टेंडर की लीगैलिटी थी, उस वक्त में इसी ऐसे ही आपको 1000 कैंडीज मिल सकती थी। समझ में आया टेंडरशिप खोना, राइट। अच्छा, यहां पर एक बात याद रखना कि 2016 का ऑब्जेक्टिव क्या था।
ऑब्जेक्टिव था ब्लैक मनी को काउंटर करना, राइट। सो डीमोनेटाइजेशन भी आई एम श्योर कि आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इंद्रधनुष स्कीम। अब इंद्रधनुष स्कीम को देखो, इंट्रोड्यूस किया गया था रिफॉर्म्स लाने के लिए इन बैंकिंग सेक्टर्स। रिफॉर्म लाना चाहते थे बैंकिंग सेक्टर के अंदर, इसीलिए इंद्रधनुष स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया। अब जैसे इंद्रधनुष के अंदर 7 कलर होते हैं, है ना, वैसे ही इस स्कीम के अंदर भी 7 स्टेप है ऑफ रिफॉर्म्स, ठीक है। अब ये 7 स्टेप रिफॉर्म्स के क्या क्या है, इस चीज को देख लेते हैं। इसको बहुत इजीली हम समझ सकते हैं, इसे ए बी सी डी ई एफ जी, राइट। सबसे पहले है अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ये क्या है, मैं आगे आपको इलेबरेट करूंगा, ठीक है। पहले मैं लिख लूँ, ये बी बी बी। अब ये बी 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 क्या है, बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है। थर्ड है कैपिटलाइजेशन, डी स्ट्रेसिंग, है ना। डी स्ट्रेसिंग के बाद एम्पावरमेंट, ठीक है। एम्पावरमेंट के बाद है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या बनाएंगे। लास्ट में है गवर्नेंस रिफॉर्म्स। गवर्नेंस रिफॉर्म्स, ये कुछ बातें बताई गई थी कि हम ये चीज करने वाले हैं इंद्रधनुष स्कीम के अंदर। तो चलो एक एक करके हम ये सारी चीजें देख लेते हैं, बिकॉज ये सारी चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे इसलिए नहीं कि क्योंकि ये सारी चीज़ें बातें इंद्रधनुष स्कीम के अंदर करी गई थी, क्योंकि ये छोटे छोटे एस्पेक्ट को भी क्लियर करती है आपके नॉलेज के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अपॉइंटमेंट। ठीक है, सो अपॉइंटमेंट का क्या मतलब है यहाँ पर, देखिए पहले क्या होता था, अर्लियर यहाँ पर जो बैंक्स के अंदर एक होता है, सॉरी सी ई ओ का पोस्ट, दूसरा होता है एम डी मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट। मेनली यहाँ पर सभी बैंक्स के अंदर एक ही बंदा इस दोनों सीट्स को एंजॉय करता है ना। मेनली जो बैंक्स है उनमें एक ही बंदा इन दोनों सीट्स को एंजॉय करता है। तो होता क्या है, कुछ चीजें क्लियर नहीं रहती है ना, कुछ मोनोपोली सी रह जाती है इनके डिसीजन मेकिंग में, वो सारी चीजें नजर नहीं आती है ना। तो हुआ क्या, इस सारे प्रॉब्लम्स का डील करने के लिए एक कमेटी आई, पी जे नायक, ठीक है,
पीजे नायक कमेटी। अब पीजे नायक मतलब यहाँ पर आप लोगों ने प्रजोग नायक के बारे में ज़रूर सुना होगा। प्रजोग नायक जो कि एक्सिस बैंक के भी हेड रह चुके हैं और ऐसे ही बहुत सारे बैंक के पहले भी हेड रह चुके हैं, राइट। रिसेंटली जब इन्होंने इस कमेटी को हेड किया था, इस वक्त में ये रिटायर हुए थे एक्सिस बैंक एज ए हेड से, राइट। सो पीजे नायक कमेटी आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। सो अपॉइंटमेंट यहाँ पर बोला क्या गया है, यहाँ पर बोला गया था कि होता क्या है ना कि जब एक ही बंदा दो अलग अलग पोस्ट को एंजॉय कर रहा होगा तो वहाँ पर क्या होता है, क्लैरिफिकेशन नहीं होती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, और एक ही चीज़ दो चीज़ों को कवर कर रहा है तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ बायस भी हो डिसीजन में, है ना। तो ऐसे केस में क्या हुआ, इन दोनों पोस्ट को सेपरेट कर देना चाहिए, एक पोस्ट नहीं होना चाहिए, ये पीजे नायक कमेटी बोलती है। पीजे नायक कमेटी ने बहुत अच्छे से इसको इलेबरेट किया कि यहाँ पर जो सीईओ है उसका काम होना चाहिए कि वो डेली के ऑपरेशन देखे, डेली डेली ऑपरेशन देखे, उसका बाकी के चीज़ से कोई काम नहीं होना चाहिए, है ना। एंड सेकंड, जो एमडी होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, उसका देख काम होना चाहिए कि वो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को जस्टिफाई करता रहे, इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स देखे, है ना। कि शेयर होल्डर, ऐसा तो नहीं है कि शेयर होल्डर्स के पैसों का मिसयूज़ किया जा रहा है, उनके पैसे वहीं पर है जहां पर होने चाहिए, क्या उसी तरीके से आउटपुट दे रहे हैं जिस तरीके से देना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें देखकर, इन सभी चीज़ों का जो डिसीज़न लिया गया था पीजे नायक कमेटी द्वारा, तो ये सजेशंस थे, राइट। सजेशन याद रखना, क्या सजेशंस है कि पीजे नायक कमेटी ने कहा कि दोनों पोस्ट अलग होने चाहिए, सीईओ जो सीईओ के पेस में है वो यहाँ पर डेली ऑपरेशन देखेगा, है ना, और जो यहाँ पर इस पोस्ट पे है वो देखेगा शेयर होल्डर्स को, है ना, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को ये देखेगा और ये डेली ऑपरेशंस को देखेगा, है ना। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है बी बी बी, ठीक है। अब ये बी 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 क्या है, बैंक बोर्ड और ब्यूरो, ठीक है। सेकंड बताया गया है कि देखो यहां पर समझो होता क्या है ना कि जहां पर भी अपॉइंटमेंट का केस हो जाता है, ठीक है, जहां पर भी अपॉइंटमेंट का केस हो जाता है वहां पर अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अभी के टाइम पे ये कारोबार देखती है ना। अब इसके इंद्रधनुष स्कीम के अंदर क्या बताया गया कि ये जो है ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंदर की कमेटी है तो अपॉइंटमेंट वगैरह इतनी बायस नहीं होती है, तो हमको इसे यहाँ से हटाना है और इसको रिप्लेस करेगा बी बी बी, ठीक है, इसको रिप्लेस करेगा बी बी बी, और ये हमेशा हेड करेगा पूरे सर्विसेज के सुपरविजन को, ठीक है, हेड करेगा सुपरविजन, कि जितने भी सर्विसेज के सुपरविजन होगा उसको हेड करेगा ये,
तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई कमेटी है, ये यहाँ पर अब काम नहीं करेगी, अपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें अपॉइंटमेंट नहीं देखेगी। अपॉइंटमेंट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा फ़ंड ट्रांसफ़र क्या है, किसको फंड कितना जाना चाहिए, कहाँ पर हमारा पैसा लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में कितना पैसा जा रहा है ना। तो ये सारा कुछ बहुत सारी चीज़ों में जो सर्विसेज है उसका सुपरविजन ये करती थी, तो इन्होंने कहा कि नहीं इसको हटा दो, ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली बहुत बायस होती है, तो इसलिए यहाँ पर बीबीबी को हम लाएंगे और वो सबको हेड करेगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इसके कुछ फ़ायदे हो जाने वाले थे, क्या क्या फ़ायदे गिनवाए हैं देखो। सबसे पहले तो जो बायस इन अपॉइंटमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगी, है ना। बायस अपॉइंटमेंट रिड्यूस हो जाएगी, है ना। सो एनपीए प्रॉब्लम, एनपीए प्रॉब्लम भी रिड्यूस हो जाएगी, ये पॉइंट याद रखना। हेल्प्स टू गेट न्यू फंड्स, ठीक है। सो बिकॉज यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक बोर्ड बैठेगा, ब्यूरो बैठेगा, तो इन लोगों का ये भी काम रहेगा कि इन बैंक्स के अंदर ये और इंडस्ट्री के अंदर पैसे को बूम कैसे किया जाए, फंड को कहाँ से उठाया जाए, कौन इन्वेस्ट करेगा, ये सारी चीज़ें भी ये लोग देखेंगे, राइट। तो इससे क्या होगा कि इनिशियली पैसा का बूम भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ये आमतौर पे आपको बुक में भी नहीं मिलेगा और नोट्स भी आमतौर पे इसके नहीं मिलते हैं, ठीक है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना आप लोगों को, बहुत रिसर्च करने के बाद जो मेरा स्टडी नोट्स है मैं उसमें से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट, पूरी कंप्लीट चीज़ है, राइट। सो इससे शॉर्ट नोट्स भी आगे जाके आप बना सकते हो, बट ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको हर कहीं नहीं मिलेगी, इस चीज़ को याद रखना आप, ठीक है। ये जो बीबीबी है ना, बीबीबी, लेटर ऑन इसको भी चेंज कर दिया जाएगा और इसको चेंज करके बनाया जाएगा बीएचसी, बीएचसी। अब बीएचसी का मतलब क्या है, बैंकिंग होल्डिंग कंपनी, ठीक है, बैंकिंग होल्डिंग कंपनी। अच्छा, ये जो बैंकिंग होल्डिंग कंपनीज हैं ये क्यों, अब ये जो बैंकिंग होल्डिंग कंपनीज है ना, इसके बाद में जो भी गवर्नमेंट के शेयर्स होंगे, है ना, जो भी गवर्नमेंट के शेयर होल्डर्स होंगे उसको मैनिपुलेट देखने का काम यही करेगी, है ना। मान लो कि है क्या SBI, PNB, इंडियन बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि इसका जो 50 से मान रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा है ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, 51% गवर्नमेंट का है, इसमें 52% गवर्नमेंट का है, इसमें 53% गवर्नमेंट का है, ठीक है, ये स्टेक गवर्नमेंट के है। अब ये जो गवर्नमेंट के स्टेक्स होंगे ना, अब ये गवर्नमेंट के नहीं कहलाएंगे, ये कहलाएंगे BHC के, राइट। सो अब ये BHC के स्टेक्स कहलाएंगे सारे इसके अंदर। अब गवर्नमेंट का यहाँ पर कुछ नहीं है, जो भी मैनिपुलेशन होगी, जो भी चीज़ों को इधर से उधर करने का होगा वो आगे जाके BSE ही देखेगी, जो इनिशियली इंट्रोड्यूस करी गई है BBB, बैंक बोर्ड ब्यूरो के नाम से, राइट। ये चीज़ याद रखना बॉस, इम्पोर्टेंट है। ओके, सो इससे फायदा क्या होगा, है ना,
ये हमने क्यों किया? बहुत ऑब्वियस सी चीजें हैं। यहां पर सबसे पहले होगा रिड्यूस गवर्नमेंट गवर्नमेंट इंटरवेंशन यहाँ पर कम होगा बॉस। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो इसके वजह से आपको हेल्प होगा, है ना? कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कि मान लो कि हम यहाँ पर गुजरात में है ना? अब गुजरात में है क्या, इलेक्शन आने वाले हैं, तो वहाँ पर जो भी एमएलए होगा, है ना, वो बैंक को बोलेगा कि बिकॉज मेरे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 छः ऐसे लोग हैं जो इसके वोटिंग लिस्ट पर आते हैं, है ना? सो इसके वोट्स आने हैं यहाँ से, तो ये डिमांड करेंगे कि हमारा लोन वेव करवा दो, है ना? तो अब इनके प्रेशर में, बिकॉज यहाँ पर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है बैंक्स में, तो ये इन लोगों का लोन माफ़ करा देगा, जिसके वजह से बैंक्स को क्या होगा, लॉस, है ना? सो बैंक को लॉस होगा। ये सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती है बैंक को हैंडल करने के लिए। इसके अलावा और भी होता है, मान लो कि कोई भी फंड एलोकेट होना है ना, 100 CR एलोकेट होना है, बट गवर्नमेंट को पता है कि ये मेरा एरिया है, ए एरिया बी, है ना? इस एरिया के अंदर मान लो कि ऐसे लोग हैं जो पार्टी फंड के लिए भी पैसा देते हैं, सो गवर्नमेंट क्या करेगी, ये ज़्यादा का ज़्यादा पैसा कोशिश करेगी कि वो इस जगह में इन्वेस्ट हो, राइट? सो यहाँ पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो मैनिपुलेशन होता है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ना, किसी भी बैंक को और नेशनल डेवलपमेंट को भी। यहाँ पर जब जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेगी, तो इश्यूज बढ़ना शुरू हो जाती है यहाँ पर, राइट? सो ये प्रॉब्लम से भी निजात मिल सकता है अगर इसको फुलफिल किया जाए। बट यहाँ पर जो आरबीआई है ना, आरबीआई इसको अपोज करती है। बट यहाँ पर आरबीआई इसको अपोज करती है। आरबीआई कहती है नो, आरबीआई कहती है नो, मुझे ये आइडिया पसंद नहीं है, है ना? ये आइडिया पसंद क्यों नहीं है, इस चीज़ को बहुत इजीली समझो। आरबीआई कहती है इससे जो इन्वेस्टर है वो हैप्पी नहीं होगा। अच्छा, इसमें ऐसा क्या है कि इन्वेस्टर हम लोग खुश नहीं होंगे? तो आरबीआई ने इसको इलेबरेट किया बहुत अच्छे तरीके से। मान लो कि कंपनी ए है, सॉरी बैंक बी बैंक है और सी बैंक है ना? अब ऐसे में ये जो पहली बैंक है वो है गुड, गुड प्रोजेक्टेड, मतलब अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये भी गुड प्रोजेक्टेड, ठीक है? तो ये जो दोनों बैंक्स हैं, इनको तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अच्छा प्रोजेक्ट किया है, बट ये जो है ये बैड प्रोजेक्टेड है। इसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अच्छा नहीं मानती, बिकॉज ये अंडर परफॉर्म है, ये परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है। बट अब अगर यहाँ पर बात आए इन्वेस्टमेंट की, सो हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहाँ क्या चीज़ें देखते हैं भाई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये जो बैंक है, थर्ड बैंक है ना, इसको जरा मैं थोड़ा अलग कलर से मार्क कर दूं, ये जो थर्ड बैंक है यहां पर बात कर रहा होगा
उन्होंने क्या बोला होगा अभी, ये जो जो बैंकिंग होल्डिंग कंपनीज है इसके अंदर ही इंक्लूड होगा ना, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों बैंक को अलग अलग लिस्ट होना किया होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। वहां पर तो बोला होगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये जो बी एस सी है ये तो बहुत अपवर्ड है ना। अगर यहाँ पर कोई कस्टमर चाहता है कि वो ए प्लस बी में इन्वेस्ट करे बट उसको सी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बट वो ये सर्विसेज नहीं ले सकता, राइट? सो उसको या तो तीनों ही एक्सेप्ट करने पड़ेंगे या तो कोई भी नहीं मिलेगा, राइट? तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है वो खुश नहीं रहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उसके उनके पैसे डूबने के चांसेस भी हमेशा वहाँ पर लगे रहेंगे, राइट? सो ये चीज़ बोलते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, इस चीज़ से मैं एग्री नहीं करता, इसके लिए मुझे डिसएग्री करना होगा, मैं चाहता हूँ कि ये इस तरीके से काम ना करे। चलो सबका अपना अपना मत है, बट देखो पॉइंट यहाँ पर शेयर होल्डर्स की बात नहीं है, यहाँ पर जो जो मेन पॉइंट है ना, यहाँ पर गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है आरबीआई के अंदर से है ना, या फिर बैंकिंग सेक्टर के अंदर से, उसको हटाना ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज उसके वजह से जो लॉसेज हो रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। बट रही इन्वेस्टमेंट की बात, वहाँ पर तो कोई भी कैंडिडेट अच्छे से पढ़ के या फिर कोई भी अच्छा सा नॉलेज गेन करके ज़रूर वो इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा मेहनत कर सकता है, बट बाकी के केस में अगर हम लोगों ने ढील बरती तो वो दिक्कत होनी शुरू है ज़रूर, राइट? सो गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस रहता है उसके अकॉर्डिंग बैंक्स अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकती, सो दैट की इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो होगी और ये सारी चीज़ें और, राइट? जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, थर्ड है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन के अंदर देखो इसमें कुछ नहीं है, कैपिटलाइजेशन में ऐसा बोला गया है कि जो भी बैंक्स है ना वो सफर कर रही है, बैंक्स सफर कर रही है एनपीए से, फंड मिस मैनेजिंग से है ना। तो इस सब का सॉल्यूशन है कि पैसे को इंजेक्ट करो बैंकिंग सिस्टम में, है ना। सो आरबीआई ने क्या कहा, आरबीआई ने कहा कि हमको बैंकिंग सेक्टर के अंदर कम से कम 1.50 थाउजेंड करोड़ इन्वेस्ट करने चाहिए, 1,50,000 करोड़ इन्वेस्ट करने चाहिए, बट गवर्नमेंट ने कहा कि इतने पैसे तो हम नहीं दे सकते, बट इंद्रधनुष स्कीम के अंदर हम 70,000 करोड़ दे देंगे, है ना, वो भी इवेंचुअली देंगे, पार्ट पार्ट में देंगे, राइट? सो इस तरीके से जो पैसा इंजेक्ट कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर सो दैट कि पैसा अच्छे से परफॉर्म करे, इंडस्ट्री अच्छे से परफॉर्म करे, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखो होता क्या है, यहाँ पर मैं आपको सिस्टम समझा देता हूँ पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो हमारे पास ना बैंकिंग सेक्टर के अंदर पैसे लिमिटेड होते हैं, एनपीए भी बहुत ऐसा है कि बहुत हाई है इंडिया के अंदर, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। सो मान लो कोई भी एक बैंक है, कोई भी एक बैंक है, सो वो जब बन रहा होगा तो वो 100 रुपये लेके आएगा, इसको बोलते हैं कैपिटल, है ना। और जो डिपॉजिटर है
जो डिपॉजिटर पैसा देता है उसको बोलते हैं लायबिलिटी, और जो पैसा आगे जाके लोन में जाता है और इंटरेस्ट के साथ वापस आता है उसको बोलते हैं एसेट। ठीक है, ऐसे केस में मान लो कि किसी भी बैंक के पास यहां पर उन्होंने 200 रुपये आगे डाल दिए, है ना। अब यहां पर आ गई मंदी, अब ये 200 रुपये तो आगे आएंगे ही नहीं वापस, है ना। 200 रुपये तो हो गए बंद। तो इस बैंक को सुचारू रूप से काम करने के लिए जो कैपिटल रहेगा ना, वो कैपिटल की जरूरत रहती है ना। सो यहाँ पर पैसा इन्फ्यूज करने की ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पर पैसा इन्फ्यूज करने के लिए ये पूरा इंद्रधनुष स्कीम के अंदर 70,000 रुपये करोड़ को इन्वेस्ट किया जा रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखना है। तो इससे क्या होगा भी, सोच के देखो, ये जो पैसा इंजेक्ट हो रहा है इससे हेल्प क्या होगा। ये जो सारे के सारे पैसे बैंक के पास आएंगे, बैंक क्या करेगी, उसको इन्वेस्ट करेगी। अगर इन्वेस्ट करेगी तो कहाँ पर इन्वेस्ट करेगी, तो किसी को लोन देगी। लोन देगी तो इंडस्ट्री क्या करेगी, आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। आपको आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगी तो आप उस सर्विसेज का यूज़ करोगे, है ना। अब आप उस सर्विसेज का यूज़ करोगे तो एंड ऑफ डी क्या होगा, आपकी आपके पॉकेट से पैसे निकलेंगे, मार्केट में इन्वेस्ट होंगे। अब आप जो पैसे लोगे वो कहाँ से लोगे, बैंक से लोगे। तो आप जब पैसे लेने के लिए जाओगे तो बैंक के पास वो पैसे अवेलेबल रहेंगे, राइट। सो जो फोर्थ पॉइंट है वो है डी स्ट्रेसिंग। देखो डी स्ट्रेसिंग का मतलब कुछ भी नहीं है। देखो आज से कोई कई साल पहले, जैसे 2008 का भी रिसेशन पीरियड आया, उसके अलावा भी इकोनॉमी थोड़ी बहुत स्लो डाउन चली, है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में ना बहुत पैसा स्टक है जो कि एनपीए बन चुका है। सो इस एनपीए का बैंक्स के ऊपर बहुत प्रेशर है। ये जो एनपीए है इसका बैंकों के ऊपर बहुत प्रेशर है। तो करना करना क्या चाह रहे हैं, जो भी बैंक्स लोन देती है, अच्छा ये एनपीए आई एम श्योर कि आप लोगों को आइडिया है, जो बैंक है जब वो लोन देगी आगे, है ना, कॉरपोरेट्स को लोन देगी, अब वो लोन के केस में वो पैसा वापस आना चाहिए एसेट बन के, है ना। बट वो वहां पर एसेट बन के पैसा वापस नहीं आता है और पैसा जा चुका होता है। इस सिनेरियो को बोलते हैं एनपीए का केस। तो ऐसे में वो पैसा एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। वो जो एसेट परफॉर्म करना चाहिए था वो परफॉर्म नहीं करता है, जिस वजह से क्या होता है, बैंकों को एक ह्यूज लॉस का सामना करना पड़ता है, राइट। सो इससे इससे डिस्ट्रेसिंग करने के लिए भी हमको क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारी बातें करी जा रही है डिस्ट्रेसिंग वाले पॉइंट के अंदर, राइट। आई एम श्योर कि यहाँ तक आपको क्लियर है ये सारी चीज़ें। मुझे ये मिटाना पड़ रहा है बिकॉज मेरे पास जो सरफेस एरिया है काम करने के लिए वो थोड़ा कम है। सो आई एम सॉरी, आप नोट डाउन कर रहे हैं इसे, मुझे यकीन है। सो नेक्स्ट है एम्पावरमेंट, जो फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है वो है एम्पावरमेंट। अब यहाँ से एबीसीडी को कंप्लीट करने के लिए ज़बरदस्ती के पॉइंट बनाए गए हैं, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। सो एम्पावरमेंट के अंदर बस ऐसा बोला गया है कि यहाँ पर ऑटोनॉमी देनी चाहिए कि किसी को भी हायर कर पाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बोले कि नहीं तुमने इसे क्यों हायर किया, इसको हटाओ, इस वाले बंदे को हायर करो, है ना, बी वाले बंदे को हायर करो, ए वाले को मत करो। गवर्नमेंट का ये सारी चीज़ें यहाँ पर फालतू की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सो दैट कि वो अच्छे से ऑटोनॉमी मिले और अपने अकॉर्डिंगली वहाँ पर हायरिंग करे। जो सिक्स्थ ऑप्शन है वो है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क के अंदर नहीं, बट
अकाउंटेबिलिटी की बात करी गई है, अकाउंटेबिलिटी में भी उन्होंने बोला है कि अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब, जो अच्छा करेगा उसको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे और जो अच्छा काम नहीं करेंगे उन्हें पनिशमेंट भी मिलेगा। अब ये जो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट मतलब वो कान खींचने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर जो अच्छा करेगा उसमें पैसा ज़्यादा इन्फ्यूज़ किया जाएगा, ठीक है, जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा उस पे पैसा कम इन्फ्यूज़ किया जाएगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। अब ये सारी चीज़ें कैसी देखी जाएगी, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी KPI इंडेक्स का इस्तेमाल करते हुए। अब KPI इंडेक्स क्या होता है आप लोगों को आइडिया है, राइट, है ना। K का मतलब की, P का मतलब परफॉर्मिंग, I का मतलब इंडिकेटर्स, ठीक है। इसका इस्तेमाल करते हुए देखा जाएगा कि टारगेट कितना फुलफिल हो रहा है और अचीवमेंट रेट्स क्या है, राइट। सो ये दो चीज़ों को चेक किया जाएगा इसके अंदर और उस हिसाब से आपको मार्क किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अकाउंटेबिलिटी के केस में ही, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में ये 14th या 15th इकोनॉमिक सर्वे, शायद मुझे याद आ रहा है 15th इकोनॉमिक सर्वे में ये बात करी गई थी। हाँ, ये बात करी गई थी कि ये जो इंडिया के अंदर है, ये है ना, देखो गरीबी है ना, 1947 से अगर आप 2000 एंड मान लो अभी ले लेते हैं 2023, है ना, अगर अभी भी आके आप देख लोगे ना, चेंज क्या आया है, सिर्फ लाइफ स्टाइल इंक्रीज हुई है। लाइफ स्टाइल इंक्रीज होने हो तो गई है, बट वो जो पुअर्टी है वो तो उधर की उधर ही रह गई है ना। आज भी आप देखो कितनी पुअर्टी है, पुअर्टी रेशियोज चेक करो, है ना, क्या बुरे हाल चल रहे हैं इंडिया के, है ना। तो ये सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हमको, जिन इंडिकेटर्स को भी देखना चाहिए। इसका प्रॉब्लम बताया था 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर, और 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर बताया गया था और 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बात करी गई थी। उन्होंने कहा था कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये प्रॉब्लम है, मेन जो प्रॉब्लम है वो है इंडिया की एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी, ये याद रखना। एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है, देखो आज मान लो कि मैंने ABC पार्टी को इलेक्शन जिता दिया, है ना। अब ये क्या कर रही है, ये ढंग से काम ही नहीं कर रही। अब ये ढंग से काम नहीं कर रही है तो भाई 5 साल तो कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं इसकी। अब 5 साल के बाद जाके मैं XYZ को सिलेक्ट कर दूंगा, है, 5 साल के बाद इसको सजा दूंगा। बट ये जो 5 साल का टाइम है ना, ये जो 5 साल के टाइम के बीच में जो एक्शन अनडन रह गए ना बॉस, ये आज के टाइम के इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है, राइट। सो ये एपिसोडिक जो अकाउंटेबिलिटी है ना, वो मेजर रोल प्ले कर रही है इंडिया के अंदर आज के टाइम पे। अगर इतने टाइम से भी हम किसी चीज़ को फुलफिल नहीं कर पाए हैं, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताई गई है एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी। ये शब्द याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, ये यूज़ किए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, राइट। सो एक बार कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर शब्द यूज़ किए जाते हैं तो उन चीज़ों को आपने आपने याद रखनी है। सो जो लास्ट पॉइंट है, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, गवर्नेंट रिफॉर्म्स में कुछ नहीं है इसके, तो जबरदस्ती का पॉइंट बनाया गया है। हुआ क्या कि एक एक
सॉरी, ज्ञान संगम, ज्ञान संगम नाम की एक मीटिंग अरेंज कराई गई जहां पर बैंकर्स प्लस आरबीआई प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपस में बैठे और पिछले जितने भी पॉइंट थे ना उन सभी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करी और सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी, राइट? तो ये इसके अंदर ये बताया गया कि कौन कौन से रिफॉर्म्स लेने चाहिए, किस तरीके से हमको काम करना चाहिए, बस वो सारी बातें कही है, डॉक्यूमेंटेड कुछ भी नहीं है, सो दैट ये इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, राइट? सो जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे वो हम करेंगे इंद्रधनुष स्कीम 2.0। तो आज के लिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, पेशेंस बनाए रखना, जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ उसके नोट्स मेंटेन करना, नोट्स मेंटेन करके आप अपने हिसाब से उसको सेटअप करना। थोड़ा सा आप जो बुक है उसको भी यूज़ कर सकते हो, आप रमेश सिंह पढ़ रहे हो वो भी ठीक है, नहीं तो कहीं आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, इसके साथ साथ नोट मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट कि आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का मैं सारा कंप्लीट है ना कोचिंग यहाँ पर करवा दूंगा। जाने से पहले बस इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये जो लेक्चर्स है वैल्यूबल लग रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियोस को शेयर करो, सर्कुलेशन पे डालो, जिसको भी ज़रूरत है आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। धीरे धीरे ही सही बट कंप्लीट कोचिंग यहाँ पर करवाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा। यहाँ पर GS1, GS2, GS3, GS4 कंप्लीट कोचिंग होने वाली है। इसके अलावा जो लैंग्वेज टेस्ट है उसको भी, ऐसे राइटिंग भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आगे आके जो मेरा खुद का जो ऑप्शनल है वो इकोनॉमिक्स है, तो मैं उसको भी कंप्लीट करवाऊँगा अगर कोई ऑप्शनल इकोनॉमिक्स रखना चाहता है, राइट? ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लोगों को हमको सपोर्ट करना है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी चीज़ें आपसे पूछी जा रही है उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो टॉपिक या फिर पॉइंट आप जानना चाहते हैं या फिर नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें सजेशन दे सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।